केंद्रीय विश्वविद्यालय के आजाद छात्र संगठन बैनर तले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को समर्पित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने शाहपुर में ही ये घोषणा कर मानो शाहपुर की दुखती रज पर हाथ रख दिया है। विगत 7 सालों से शाहपुर में संचालित हो रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति तो होती आई है, लेकिन स्थानीय नेता इसके शाहपुर में ही बने रहने पर तजव्वुज दे रहे हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सरवीण चौधरी की उपस्थिति में शाहपुर से केंद्रीय विश्वविद्यालय का पलायन करवाने की घोषणा खुद भाजपाइयों के भी गले नहीं उतर रही है। वहीं विधायिका की इस टिप्पणी पर चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि शाहपुर की आर्थिकी में अहम योगदान वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए शाहपुर की जनता एकजुट है और केंद्रीय विश्वविद्यालय को शाहपुर में ही स्थायी करवाने हेतु संघर्षशील है। ऐसे में चुनावी समय में विधायिका की मौजूदगी में केंद्रीय विश्वविद्यालय को शाहपुर से ले जाने की घोषणा भाजपा को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी पड़ने वाली है। वन निगम के उपाध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने तो इस मुद्दे पर विधायक का असली चेहरा जनता के सामने खुलने की घोषणा कर डाली। विधायक पर चुटकी लेते हुए केवल ने जहां भाजपा को शाहपुर विरोधी करार दिया, वहीं अनुराग ठाकुर पर व्यंग वाण छोड़ने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक जिम्मेवार पार्टी का सांसद होना और पिछले 8-9 सालों से जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा हो और ये बात कहना, वो भी शाहपुर की विधायिका के सामने, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कि विधायिका और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो शाहपुर में चले। इससे इसका जो विधायिका का वो चेहरा जो है बेनकाब हुआ है, क्योंकि एक सांसद हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिसके जो कि वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से हम केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ लेके आए हैं, तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका ये चाहती है, ये जो कॉलेज की विरोधी थी, ये आज विश्वविद्यालय की विरोधी है, तो शाहपुर की ये हितेशी नहीं। हम तो पहले कहते कि भारतीय जनता पार्टी जो हितेशी नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अनुराग ठाकुर जी 3 साल पहले आप यहाँ से सांसद चुन के गए थे, 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी को, कांगड़ा चंबा का सांसद भी आदरणीय शांता कुमार जी हैं। पिछले मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, पिछले 3 सालों में 26 तारीख को 3 साल हो रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए, आप जब नोटबंदी कर सकते हो, गैस का सिलेंडर 415 से 850 रुपया कर सकते हो, 4 सांसद जीते हुए वही केंद्र में एक आपका मंत्री है, आप प्रधानमंत्री जल्दी से अपना टूर प्रोग्राम फाइनल करते और शाहपुर के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर देते, धर्मशाला के अंदर था धर्मशाला के अंदर कर देते। और मेरा तो अपना अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ जहाँ टेम्परेरी क्लासेस चल रही हैं, विधायिका तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और शाहपुर की विरोधी है, मैं अपनी अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ूंगा कि एक बहुत बड़ा मैं इस पक्ष में नहीं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो डेंटल कॉलेज हो, एक पूरी फैकल्टी जो है, ये तो छोटा सा टेम्पररी कैंपस है, पूरी फैकल्टी जो है शाहपुर के अंदर स्थापित की जाए, जिससे कि शाहपुर के लोगों को जो है रोजगार का अवसर भी मिले और हमारे बच्चों को पढ़ने का अवसर भी मिले। और मैं कड़ी निंदा करता हूँ जो वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर जी ने टिप्पणी शाहपुर क्षेत्र में की है, और मैं उनको बता देना चला देना चाहता हूँ, आज उन्होंने टिप्पणी की है, अगर उन्होंने कोई हलचल की तो यहाँ जो है शाहपुर की कांग्रेस केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में, मैं कहता नहीं हूँ पक्ष में, सड़कों पर भी उतरेगी। वहीं व्यापार मंडल शाहपुर सहित अनेकों संगठनों ने अनुराग के इस बयान को शाहपुर विरोधी बताते हुए इसकी निंदा की है।